Alright, hi, very good evening everyone. This is Irshaad Irfan Siddiqui and I'm right here at my hometown, that is Aurangabad, and I'm introducing you Cafe Compass, which is right beside St. Lawrence School at Connaught Place. So I'm gonna take you inside, and yes, it is a launch of Cafe Compass. Come on. And let's see, let's discover Cafe Compass. All right, so मेरे साथ में कुछ seniors यहाँ पे खड़े हुए हैं जो यहाँ पे launch पे आए हुए हैं. हम अपने viewers को बताना चाहते हैं कैसा लग रहा है आपको आज Cafe Compass का opening हुआ सब. बहुत बढ़िया. ओके. और अंकित के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अंकित मुत्था जिसने ये Cafe Compass आज यहाँ पर खोला है. थोड़ा सा पास में आना चाहिए, लाउडली बोलना पड़ेगा. कम क्लोज बॉडी, आ जाओ. हाँ बोलिए. की मन से बहुत इच्छा थी कोई कैफे के लिए अच्छी कंपनी का कोई कैफे बोले. अच्छा, उसके लिए इच्छा थी तो इसलिए उसने बोला. उसके बाद क्या बात है सर, आप भी कुछ कह रहे थे. मैं तो क्या कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अंकित ने बहुत अच्छा काम किया और डायनामिक पर्सनैलिटी है, 100% सक्सेस जाएंगे. क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. ओके, कुछ और लोगों से बात करते. कम ऑन, कम इन. ओके, ओके, तो अभी हम कैफे कॉम्पास के जो आउटर रीजन में हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पे टू लिप्स स्मैकिंग डिशेस हमारे साथ में हैं. ऑलराइट सर, व्हाई डोंट यू टेस्ट, प्लीज टेस्ट इट. सर आप एक टेस्ट कीजिए, आप टेस्ट कर ही रहे हैं ऑलरेडी, मतलब पहले से खाना पीना चल रहा है. ओके, टेस्ट करिए पहले और आप बताइए कि ये जो आप टेस्ट कर रहे हैं, अंदाजा है कि आपको ये क्या है. मोमोज, क्या आपको भी पता है ये मोमोज है. मोमोज तो है, लेकिन अंकित की जो कैफे कॉम्पास की जो खासियत ये है कि यहाँ पर सिर्फ एक मोमोज नहीं मिलता, यहाँ पे काफी वैरायटी है. तो सर आप ये गो थ्रू कीजिए, बताइए क्या ये वेजी रेगुलर है, वेजी स्पाइसी है, वेजी पनीर है, वेजी चीज है, लेबनीज प्लेटर है, कौन सा लग रहा है आपको, कौन सा मोमो है टेस्ट करके. हाँ, वेजी चीज है, वेजी पनीर. हमारे जो प्रमोद भाई है उन्होंने बिल्कुल सही कहा, ये अंकित के सबसे बड़े चाचा है. थैंक यू सो मच. अभी सर आप, मैं चाहता हूँ कि आप इसको टेस्ट करें. क्या यार इतना अच्छा लगा, ठीक है. क्या लगता है आपको ये क्या है. बाय द वे, मैं चुपके चुपके से हम तो मंजूर बोलेंगे, कोई देख नहीं रहा तो मैं भी टेस्ट कर लेता हूँ. ओके, हम इसको सिंपल लैंग्वेज में मंचूरियन कहेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं दैट इसका नाम जो है चाइनीज स्टैम्पिंग है, थोड़ा सा फॉरेन टाइप्स, यू नो, बट देन यस, देयर इज लॉट ऑफ वैरायटी. सो आपको कैसा लगा सर. अंकित के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैफे कॉम्पास उसने यहाँ पर ओपन किया, आज ओपनिंग है. क्वालिटी भी काफी बढ़िया है, क्वालिटी काफी बढ़िया है. ओके, थैंक यू सो मच. ऑलराइट, कैफे कॉम्पास का जो आउटर रीजन है मैं एक बार आपको बताऊंगा. हमारे जो दोस्त हैं, दोस्त जरा कैमरा घुमा के सबको बताना कि आउटर रीजन कैसा है. आउटर रीजन लेफ्ट में भी थोड़ा बता देना लोगों को, लेफ्ट साइड में भी, राइट में. Yes. तो आपने आउटर रीजन देखा है, नाउ आई एम गोना शो यू द इनसाइड द इंटीरियर्स ऑफ कैफे कॉम्पास, हाउ इज इट, लेट्स फॉलो मी, कम ऑन एवरीवन. दिस इज कैफे कॉम्पास एंड आई वांट टू सी यू, आई वांट टू शो यू दिस. कैफे कॉम्पास का जो थीम है उसके हिसाब से यहाँ पर यू सी देयर आर कोट्स रिटन आउट हियर, लाइक वन ऑफ द कोट इज लाइफ इज लाइक अ कॉम्पास, व्हेन यू सेट योर गोल्स करेक्टली इट विल टेक यू टू द राइट डायरेक्शन. ये है अंकित की मम्मी जी. ओके, आंटी आपको कैसा लग रहा है, अंकित ने आज बहुत बड़ा काम किया है और आप क्या क्या कहना चाहते हैं. अच्छा लगा, सुंदर लगा, कैसे उम्र ऐसी कोई इच्छा है जो आप चाहते हैं कि अंकित आपकी पूरी करे. मेरी पूरी इच्छा हो गई अभी तक तो. ओके, बहू रानी की. बहू रानी की, अच्छा, हम दुआ करेंगे अंकित को बहुत अच्छी सी ब्यूटीफुल सी
और वो क्या कहते हैं, साक्षात अच्छी वाइफ बहू मिल जाए, मतलब वाइफ मिल जाए, उनको बहू मिल जाए। एक डिश जो आप चाहेंगे कि अंकित आपको बना के खिलाए, कौन सी पसंदीदा डिश है आपको, कौन सी फेवरेट डिश है, कोई एक, कोई एक बताइए ना हमारे कैमरा में, कोई एक। ओके, तो हम अंकित से कहेंगे कि अपनी मम्मी जी के लिए ये जरूर बना के खिलाए। ओके, तो अभी ना लेट्स फॉलो हियर। ओके, यंग लोगों को पूछो वाली जो ये हमारे सीनियर्स है। ओके, और इनके बिना, इनकी दुआ और आशीर्वाद के बिना कोई भी चीज सफल नहीं हो सकती। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक चीज अंकित के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप कैमरा में, अंकित के लिए कुछ कहना चाहेंगे? कुछ भी, अंकित बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बस बस। ओके, अब मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूँ हमारे श्री प्रेमराज जी मुंथा से, जिन्होंने कैफे की ओपनिंग की, और उनके साथ बैठे हैं चंपा लाल जी फिर से। तो सर, आपने ओपनिंग की और ग्रैंड सन है, तो क्या कहना चाहिए आप ओपनिंग के बारे में? अच्छा काम करना और अच्छा होना है, और क्या जितना प्रोग्रेस करेगा उतनी अच्छी बात है, उसके लिए अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। बेशक। खाने में आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? फेवरेट डिश कौन सी है? कौन सी डिश आपको सबसे ज्यादा पसंद? टेस्टा। पाव भाजी? पाव भाजी नहीं, रोटी, टेस्टा, चटनी। पाव भाजी नहीं। तो कौन सी डिश आपको पसंद है? हमारी पसंद इडली। इडली? इडली, हां, इडली, बड़ा इडली। क्या बात है। तो मैं अंकित को इधर, मैं अंकित को बोलने वाला हूँ कि सर के लिए वड़ा इडली बना के दिखा। ओके, ऑलराइट, इडली वड़ा। लेट्स गो टू दैट लेडीज सेशन आउट देयर, कम ऑन एवरीवन। अच्छा, बाय द वे, दिस इज द एंटायर सेटअप, आप देख रहे हैं, पूरा इंटीरियर्स मैं आपको दिखाऊंगा। ये है पूरा एंटायर लेडीज अड्डा, जो यहाँ पर बैठे हैं, खा पी के यहाँ पे गपशप करना शुरू कर रहे हैं, तो हम इनसे बातें करेंगे। ओके, ऑलराइट, सो यस, कौन अभी खा रहा है आपके मुंह में कुछ तो है, क्या खाया आपने अभी, जरा बताइए हमारे कैमरा। मंचूरियन। ओके, लेकिन इसका एक्चुअल नाम आपको अगर पता है कि मेन्यू में इसका नाम क्या है? मैं आपको बताऊंगा, जिस मंचूरियन को आप मंचूरियन कह रहे हैं उसका नाम एक्चुअली में है चाइनीज स्टैम्पिंग। आज बहुत बड़ा दिन है, अंकित ने कैफे कॉम्पास नाम का एक कैफे शुरू किया। ये नाम आपको कितना पसंद आ रहा है आप सबको? ओके, इस तरफ। तो अंकित के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, आप सब उस खुशी में शामिल है, कुछ कहना चाहेंगे अंकित के लिए और कैफे कॉम्पास के लिए? छोटी उम्र में बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी, बहुत बड़ी, दो दो तीन तीन बिजनेस को संभाल रहे हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट की उन्होंने बहुत छोटे उम्र में की है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आप सबका आशीर्वाद और वेलबींग है, जिसकी वजह से वो सब कुछ ये कर पा रहा है, राइट? यहाँ पर सारे प्रबंध ही है टू मेक दिस एंटायर कैफे कॉम्पास वेरी सूदिंग, वेरी नाइस, एंड समवन यू नो हु वुड एक्चुअली लाइक टू कम हियर एंड वर्क, सी हियर, द बुक्स आर राइट हियर। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा अपने व्यूवर से, अपने साथियों से, कि ऐसी जगह है जहाँ पे आप आके अपनी सारी थकान भूल जाएंगे। ओके, यू वुड लाइक टू वर्क हियर, सिप अ कॉफी एंड एट द सेम टाइम ईट एवरीथिंग, फॉर एवरीथिंग यू नीड टू एक्चुअली कम टू कैफे कॉम्पास व्हिच इज राइट इन औरंगाबाद। बट यस, बिफोर गोइंग ऑफ आई एम गोना टेक यू टू अंकित मुत्ता, हु इज द फाउंडर ऑफ हियर एंड हु स्टार्टेड कैफे कॉम्पास फर्स्ट। Okay, so finally, after this entire video of talking to people and showing you Cafe Compass, I am here with a man, Ankit Mutha, who actually opened here, Cafe Compass. Right. So, Ankit, Cafe Compass open करने का जो idea था, ये आपके दिमाग में कब आया? जब मैं event management field में घुसा हूँ, जब मेरे interest आया कि मेरा आगे का vision है hospitality industry, मुझे आगे जाके hotels and ये field में घुसा है। ओके, तो एज एन इवेंट मैनेजमेंट मैंने
कैफेटेरिया का अभी विजन बनाया। एक बार इसमें एक्सपीरियंस आने के बाद मेरा आगे का टारगेट है होटल मैनेजमेंट में। क्या बात है, क्या बात है। यस, ही इज़ राइट। अंकित एक्चुअली ऑल्सो हैज़ एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और इस वक्त हम औरंगाबाद में हैं और औरंगाबाद और जालना ये टेरिटरीज में ही काम करते हैं और इनके साथ में मैंने जालना में भी कई इवेंट्स किए हुए हैं। दैट्स द रीज़न आई एम वेरी हैप्पी टू बी विथ हिम। तो यहाँ पर एक ये कैफ़े है, नॉर्मली मैंने किसी भी कैफ़े में इतनी वैरायटीज़ नहीं देखी, तो ये सारी वैरायटीज़ आपने इंकॉर्पोरेट करने कैसे किया आपने? मतलब इतना सब मेरा विजन वही था कि मुझे नॉर्मल से कभी यूनिक रहना, एक स्टेप आगे रहना सभी से। ओके, जो लोकल करते हैं मैंने उनसे एक स्टेप कभी भी आगे रहना। मेरा विजन था कि नॉट ओनली फॉर यूथ या फिर कपल्स के लिए, मेरा ऐसा विजन था कि मुझे फैमिली ओरिएंटेड कैफे बनाना था। ओके, तो उसमें फैमिलीज भी आके इंटरकॉन्टिनेंटल क्विजिंस को टेस्ट कर पाए। क्या बात है। सो इफ आई आस्क यू अंकित, दैट देयर आर सेवरल कैफेज and coffee shops or restaurants or small hotels in the city. Right. So, how does Cafe Compass differentiate or is different from others? What do you think? I never differentiate myself with anybody. Everyone have a unique taste, right? Okay. And apart from that, what I said, for me, not a competitors are my business, either my customers are my competitors. If I'm serving them the best and the best quality, so obviously they will be the best in my cafe. So the most important in any service industry, your customers are your competitors. Not your other businessmen are your competitors. Very well said, very well said. Right? I think you know what you just said, it touched my heart, because mostly people think that other hotels or other cafes or other people in the industry are their competitors. But what you rightly said is, I mean, actually very, very nice. So I wish you all the best in Cafe Compass. And I wish great luck for Cafe Compass. मेरी दुआ यही रहेगी कि ये Cafe Compass इतना है लेकिन इससे कई ज़्यादा बड़े और औरंगाबाद जालना और पूरे देश भर में इसका इतना नाम हो कि लोग दूर दूर से इसे खाने पे यहाँ पर आए, खाने के लिए यहाँ पर आए। थैंक यू सर, टेक केयर।